हमारा प्लैनेट अर्थ इस गैलेक्सी का सबसे खूबसूरत प्लैनेट्स में से एक है, जिसे कुदरत ने बहुत खूबसूरती से बनाया है। और इसीलिए आज हम आपको कुछ ऐसे अमेजिंग लैंडस्केप्स दिखाएंगे जिससे आप देखकर शॉक हो जाएंगे। और दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क स्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माउंट रोराइमा वेनेजुएला गुयाना ब्राजील। माउंट रोराइमा सबसे हाईएस्ट माउंटेन है पकाराइमा चेन ऑफ तेपुई प्लेटोस का, जो साउथ अमेरिका में है। इसकी लंबाई देखकर आप शॉक हो जाएंगे। यह बादलों के ऊपर आता है, जिसकी वजह से इसका और भी अमेजिंग लुक आता है। अगर आप ये लैंडस्केप हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो आपको ये एक वॉल की तरह दिखेगा। यहाँ पर ज्यादातर लोग हाइकिंग करने के लिए जाते हैं। लेक हाइलर ऑस्ट्रेलिया। लेक हाइलर एक सलाइन लेक है जो एज ऑफ मिडिल आइलैंड में है। इस लेक की खूबसूरती इसके ये एस्टोनिशिंग ब्यूटीफुल पिंक कलर में से है, जो इसमें सॉल्ट के कंटेंट बहुत ज्यादा होने की वजह से मिलता है। आप चाहे तो यहाँ पर आपके परिवार के साथ भी जा सकते हैं इसकी खूबसूरती निहारने के लिए। द डोर टू हेल तुर्कमेनिस्तान। दरवाजा गैस क्रेटर, जिसे कॉमनली डोर टू हेल भी कहा जाता है, ये एक नेचुरल गैस फील्ड है जो अंडरग्राउंड कार्बन में है। कहा जाता है कि मिथेन गैस को ज्यादा स्प्रेड होने से रोकने के लिए जियोलॉजिस्ट ने 1971 में यहाँ पर फायर लगाया था, और तब से ये जगह बर्न ही हो रही है। यहाँ के नेचुरल कंडीशन की वजह से यहाँ पर बर्निंग स्टॉप ही नहीं हो रही, और ये जगह अभी अमेजिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन में टॉप करती है। मेडनहॉल आइस केव्स अलास्का। मेडनहॉल आइस केव्स बर्फ से बने हुए गुफा है, जो मेडनहॉल रिवर यूनाइटेड स्टेट्स में है। ये दुनिया के सबसे डेंजरस टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है, क्योंकि इसका पिघलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है। बट फाइनली 2014 में ये आइस केव क्लोज कर दिए गए, क्योंकि इसका एक केव बिल्कुल ही पिघल चुका था। पर फिर भी ये वन ऑफ द बेस्ट केव्स ऑफ द वर्ल्ड में से है। एंजल फॉल्स वेनेजुएला। एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे हाईएस्ट अनइंटरप्रेटेड वाटरफॉल है। इसकी हाइट 979 मीटर यानी कि 3212 फीट है, और ये वाटरफॉल यूएन तेपुई माउंटेन पर से हो रहा है। इतने हाइट पर से अनइंटरप्टेडली वाटर का फॉल होना सच्ची में दुनिया का अनोखा वाटरफॉल में से एक है। द वेव यूएसए। द वेव एक सैंडस्टोन रॉक फॉर्मेशन है जो एरिजोना यूनाइटेड स्टेट्स में है। ये रॉक्स को ये फॉर्मेशन वाटर इरोजन जुरासिक एज वक्त होने के बाद से आज तक वहाँ चलती हुई विंड से मिली है। यहाँ पर लोग हाइकिंग और फोटोग्राफिंग के लिए आते हैं। ग्रैंड प्रिस्मेटिक स्प्रिंग यूएस। द ग्रैंड प्रिस्मेटिक स्प्रिंग जो येलोस्टोन नेशनल पार्क यूनाइटेड स्टेट्स में है, ये एक हॉट वाटर स्प्रिंग है जो जियोथर्मिक हीटेड अंडरग्राउंड वाटर है। ये इरोड होकर अर्थ क्रस्ट पर इतना खूबसूरत लैंडस्केप देता है। ये एक हॉट स्प्रिंग है, बट यहाँ पर कोई आम इंसान हॉट वाटर स्प्रिंग लेने नहीं जा सकता, क्योंकि इस हॉट वाटर स्प्रिंग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। पर आप इस ब्यूटीफुल नज़ारे का आनंद हेलीकॉप्टर से ले सकते हैं। हम लोग अपने आम जिंदगी में इतने खो गए हैं कि हमें मदर नेचर को एडमायर करने का समय ही नहीं मिलता। ये थे कुछ ऐसे कुदरत के खूबसूरत नज़ारे। अगर आपके पास भी इससे जुड़ी और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।